नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान ज्योग्राफी का एक छोटा सा टॉपिक राजस्थान के त्रिवेणी संगम यह देखने वाले हैं। और देखिए, टॉपिक भले ये छोटा सा है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो अंत तक देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। और देखिए, इस वीडियो की आपको अगर PDF भी चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें त्रिवेणी संगम क्या होता है, तो देखिए जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, त्रिवेणी, त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। संगम का मतलब क्या होता है? मिलना, मतलब जिस स्थान पर तीन नदियां आकर मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं? त्रिवेणी संगम। जैसे एक नदी इधर से आ रही है, एक नदी इधर से आ गई, एक नदी इधर से आ गई, तीनों नदियां जिस जगह पर आकर मिल गई उस स्थान को क्या बोलेंगे? त्रिवेणी संगम। तो ये अपने होता है त्रिवेणी संगम। और राजस्थान के प्रमुख त्रिवेणी संगमों की अगर बात करें तो कौन कौन से हैं? तो देखिए, फर्स्ट की अगर बात करें तो ये है अपने बेणेश्वर धाम, जो कहा है नवा टापरा डूंगरपुर में। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और देखिए, बेणेश्वर धाम यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं? तो देखिए, ये नदियाँ हो जाएगी अपने सोम नदी, माही नदी, जाखम नदी। और तीनों में मुख्य नदी कौन सी है? ये है अपने माही नदी। माही नदी में ये नदियाँ आकर मिलती हैं, सोम व जाखम, इनकी सहायक नदियां हैं माही नदी की, सोम नदी व जाखम नदी। ये आकर कहाँ मिलती है? नवा टापरा, बेणेश्वर धाम जो डूंगरपुर जिले में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बेणेश्वर धाम में कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं? सोम, माही, जाखम। और देखिए, हिंदू धर्म की अगर बात करें तो जहाँ कहीं भी तीन नदियां आकर मिलती हैं तो उस स्थान को पवित्र माना जाता है। तो बेणेश्वर धाम पर एक मेला भी लगता है। किस दिन लगता है? माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ पर मेला लगता है, नवा टापरा बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। और देखिए, इस मेले को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आदिवासियों का कुंभ या फिर राजस्थान का कुंभ किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है बेणेश्वर धाम को, जो कौन कौन सी नदियों के संगम पर हैं? सोम, माही, जाखम नदियों के संगम पर, जहाँ पर मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा के दिन मेला लगता है। तो इतनी सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और देखिए, नदियों की अगर शॉर्ट ट्रिक अगर देखें तो क्या हो जाएगी? देखिए, शॉर्ट ट्रिक आपको उसी स्थिति में ध्यान रखनी है जब आपको ये नाम याद नहीं हो रहे हो। आपको नाम अगर आसानी से याद हो रहे हैं तो शॉर्ट ट्रिक को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ होंगे। तो देखिए, अगर शॉर्ट ट्रिक की अगर बात करें तो आपको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, सोजा माँ, सो से आप याद रख सकते हो, सो से क्या हो जाएगा? सोम, जा से हो जाएगा जाखम, और माँ से हो जाएगा अपने माही नदी। तो आपको ये याद रखना है, कोई बेटा है उसकी माँ को बोल रहे हैं माँ तुम सो जाओ, यानी कि सोजा माँ, सो से हो गया सोम, जा से हो गया जाखम, माँ से हो गया माही, और ये अपने बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। और देखिए, अगले अगर त्रिवेणी संगम की बात करें तो ये अपने चंबल, बनास और सीप नदियों के संगम पर स्थित हैं। चंबल नदी, बनास नदी, सीप नदी, और प्रमुख नदी इनमें इसमें से कौन सी हैं? ये अपने चंबल नदी हैं, जिसमें बनास व सीप आकर मिल जाती हैं। और ये त्रिवेणी संगम कहाँ है अपने? ये सवाई माधेपुर रामेश्वर घाट पर स्थित हैं, सवाई माधेपुर जिले के रामेश्वर घाट पर। और देखिए, इस त्रिवेणी संगम की अगर बात करें तो ये मीणा जनजाति का पवित्र स्थान है। मीणा जनजाति आपको पता होगा सबसे ज़्यादा कौन से जिले में निवास करती है? ये करती है जयपुर जिले में। और इसके आसपास के जो जिले हैं, सवाई माधेपुर हो गया, दौसा हो गया, इनके आसपास के क्षेत्रों में भी निवास करती हैं। तो रामेश्वर घाट, सवाई माधेपुर, ये त्रिवेणी संगम मीणा जनजाति का पवित्र स्थान है, और मीणा जनजाति का ये प्रयागराज कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है, मीणा जनजाति के प्रयागराज किसको बोलते हैं? तो मीणा जनजाति का प्रयागराज अपने रामेश्वर घाट, सवाई माधेपुर, जो चंबल हो गई, बनास हो गई, सीप नदी हो गई, इन तीनों के संगम पर स्थित हैं, और मुख्य नदी है इसमें चंबल। और देखिए, इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं, चल बंसी रामघाट। तो देखिए, यहाँ पर चल, चल से हो जाएगा चंबल, ब से हो जाएगा अपने बनास, सी से हो जाएगा सीप, और रामघाट क्या हो गया अपने? रामेश्वर घाट, सवाई माधेपुर, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और देखिए, मेरे हिसाब से तो आप इनको समझकर याद कीजिए तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ये शॉर्ट ट्रिक तो बस याद कराने का एक तरीका है। अगले त्रिवेणी संगम की अगर बात करें तो ये है अपने बिगोद भीलवाड़ा में। बिगोद भीलवाड़ा में अगर त्रिवेणी संगम पूछ ले तो कौन कौन सी नदियों के संगम पर हैं? तो देखिए, बनास नदी, मैनाल नदी, बेरस नदी, ये तीनों नदियाँ हैं, इनके संगम पर हैं बिगोद भीलवाड़ा का त्रिवेणी संगम। और देखिए, मुख्य नदी इसमें है बनास नदी, इसमें मैनाल व बेरस नदी आकर मिलती हैं। तो ये हो जाएगा अपने बिगोद भीलवाड़ा। तो देखिए,
आज तक अगर एग्जाम की बात करें तो इन तीनों त्रिवेणी संगम के बारे में ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। राजस्थान के सबसे प्रमुख ये त्रिवेणी संगम है जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कोई याद होनी हो इन तीनों को तो आपको याद रखना ही है। और देखिए, अगर बनास, मेनाल, बेड़च इन तीनों को याद रखने की शॉर्ट ट्रिक देखें तो क्या हो जाएगी, तो देखिए ये है बिगोद में बना बेड, ऐसे आप याद रख सकते हैं। बेड कहाँ बना है आपका, ये बना है बिगोद में, बिगोद से हो जाएगा आपका बिगोद भीलवाड़ा, मे से हो जाएगा आपके मेनाल, बना देखिए बना से हो जाएगा आपके बनास नदी, और बेड़ यानी बेड़च नदी, ये हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, बिगोद में बना बेड़ यानी कि बिगोद भीलवाड़ा, बनास, मेनाल, बेड़च नदी। और देखिए यहाँ पर बिगोद की जगह कहीं कहीं आपको मांडलगढ़ भी लिखा हुआ मिल सकता है, मांडलगढ़, तो ये भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यह त्रिवेणी संगम बिगोद भीलवाड़ा से मांडलगढ़ के बीच है, मांडलगढ़ के बीच, तो बिगोद की जगह अगर मांडलगढ़ भी आ जाए तो यह भी सही होगा। अगला त्रिवेणी संगम है कहाँ पर, राजमहल टोंक में, और यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं, बनास, खारी और डाई, ये तीन नदियाँ यहाँ पर आकर मिलती हैं कहाँ पर, राजमहल टोंक में ये त्रिवेणी संगम स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है, बनास, खारी और डाई, ये आपको ध्यान रखनी है। देखिए बनास नदी राजस्थान में चार त्रिवेणी संगम में, कौन कौन से, देखिए एक तो आपने देखा था रामेश्वर घाट, इसमें भी बनास नदी थी, चंबल बनास सीप, एक है बिगोद भीलवाड़ा में, बनास, मेनाल, बेड़च यहाँ पर भी है, राजमहल टोंक यहाँ पर भी है, बनास, खारी, डाई, राजमहल टोंक में, और एक और है ये देवधाम जोधपुरिया टोंक, यहाँ पर भी जो त्रिवेणी संगम है, बनास, बांडी और मासी, यहाँ पर कौन कौन सी है नदियाँ, बनास हो गई, बांडी हो गई, मासी हो गई। देखिए ये क्वेश्चन तो अभी तक नहीं पूछा गया है बनास, बांडी, मासी वाला, लेकिन ये चारों क्वेश्चन फर्स्ट वाले ये पूछे जा चुके हैं। तो देखिए एक पांचवा त्रिवेणी संगम कौन सा है, देवधाम जोधपुरिया टोंक में है ये, बनास, बांडी व मासी नदियों के संगम पर। और देखिए इन दोनों को भी आप शॉर्टरी के माध्यम से याद रख सकते हैं, जैसे देखिए बनास, बांडी, मासी, देवधाम, जोधपुरिया टोंक में स्थित है ये त्रिवेणी संगम, तो देखिए इनको भी याद रख सकते हैं। बनास नदी तो यहाँ पर मुख्य नदी है ये, आगे आप याद रख सकते हैं बांडी मासी, मतलब मासी कौन सी है, बांडी मासी, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं, देवधाम जोधपुरिया टोंक, और यहाँ पर ये देवनारायण का मंदिर स्थित है, तो ये भी आप ध्यान में रखें देवनारायण का मंदिर। एक तो हो गया आसिंद भीलवाड़ा में, एक जोधपुरिया टोंक में भी है, बांडी मासी और बनास इन नदियों के संगम पर, देवधाम जोधपुरिया। इसी तरह राजमहल टोंक में कौन कौन सी नदियां हैं, बनास, खारी, डाई, देखिए इसको भी आप शॉर्ट ट्रिक अगर बनाए तो बना सकते हैं, राजमहल का आप राज कर लीजिए, राज, बनास का आप बिना कर लीजिए, खारा, डाई, मतलब राज बिना खारा डाई, इस तरीके से आप अपनी खुद की शॉर्ट ट्रिक बनाकर भी इनको याद रख सकते हैं, बस आपको याद होने चाहिए। तो दोस्तों ये थे अपने राजस्थान के जो जो मुख्य मुख्य त्रिवेणी संगम है, सबसे मुख्य कौन से हैं, ये ऊपर वाले जो तीन थे ये सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये लास्ट वाला तो अभी तक एक भी बार एग्जाम में नहीं पूछा गया है, तो इनको आप याद रखिए, कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे अपने राजस्थान के प्रमुख त्रिवेणी संगम, एक बार से वापस आप रिवाइज कर लीजिए, बेणेश्वर धाम है अपने सोम, माही, जाखम नदियों के संगम पर, माघ पूर्णिमा के दिन मेला लगता है, आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं, और ये नवा टापरा डूंगरपुर में स्थित है, और देखिए नवा टापरा की जगह अगर साबला भी आ जाए, कहीं कहीं आपको साबला लिखा हुआ मिलेगा, तो ये भी आपके सही होगा, तो साबला, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में स्थित है। रामेश्वर घाट ये कौन सी नदियों के संगम पर हैं, चंबल, बनास, सीप, ये तीनों नदियाँ पर आकर मिलती हैं। मीणा जनजाति का पवित्र स्थान है, मीणा जनजाति का प्रयागराज भी इसको बोलते हैं। बिगोद भीलवाड़ा में कौन कौन सी नदियाँ हैं, बनास, मेनाल, बेड़स नदियाँ, ये हैं बिगोद भीलवाड़ा या फिर मांडलगढ़ भीलवाड़ा। राजमहल टोंक यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ हैं, बनास, खारीडाई, इन तीनों नदियों के संगम पर हैं राजमहल टोंक। और देवधाम जोधपुरिया टोंक ये है अपने बनास, बांडी, मासी नदियों के संगम पर। देवधाम जोधपुरिया ये जोधपुर में नहीं है, ये है टोंक में, जोधपुरिया टोंक। अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइए, माही नदी कहाँ से निकलती है, मतलब माही नदी का उद्गम स्थल क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है सभी को। देखिए जैसे चंबल नदी ये निकलती है जनापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से, इसी प्रकार बनास नदी निकलती है खमनौर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, अपने राजसमंद से। तो माही नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ये थे अपने राजस्थान के प्रमुख त्रिवेणी संगम, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो के आपको
पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और आप ये पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।